गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल स्पेसिस्टम ऑफ माय 75 आर्ट चैलेंज। और अभी हम जा रहे हैं जिम की तरह घर से खाना वाना खा के, तो चलिए आपसे जिम में ही मिलेंगे राइट। और ये देखिए अपनी स्कूटी वहाँ पे, ये देखिए। तो चलिए अभी टाइम हो गया है जिम जाने का, तो जिम जाके आपसे बाद में मिलेंगे। तो अभी हम पहुँच चुके हैं जिम के बाहर और आज हमारा है आर्म्स एंड ट्रैप्स का वर्कआउट, तो चलिए जाके अभी जाके करना पड़ेगा और आपको भी दिखाते हैं कि कैसे करते हैं। गाइस आज का वर्कआउट सेशन भी हमारा हो चुका है खत्म, अभी हम जाएंगे घर। ये देखिए जाते जाते आज भी थोड़ा दुकान से सामान लेना है। देखिए कैसा धूप तो बहुत है आज। गाइस अभी हम आ चुके हैं अपने घर पे, यानी कि अपने रूम पे। और ये देखिए रूम का कंडीशन, मतलब सुबह ये सब ठीक करने का मतलब थोड़ा मौका नहीं मिला, तो अभी आज तो रूम भी साफ करना पड़ेगा, घर भी साफ करना पड़ेगा क्योंकि आज पूर्णिमा है। और गाइस हमारा रूम मतलब काफ़ी सुबह से थोड़ा मेसी हो गया है, तो अभी हम इसको जरा ठीक करेंगे। तो अभी हम अपना रूम को साफ करेंगे। तो गाइस हमने अपना जो रूम है उसको थोड़ा सा साफ कर लिया है और अभी हम जा रहे हैं सुम्बुक, या थोड़ा सा मतलब अपना थोड़ा ध्यान लेके वहाँ पे मिले तो रूम में जाके अभी घुसवाएंगे। सो आपको भी दिखाते हैं कि कैसे मतलब उसका प्रोसेस क्या है, वैसे तो मुझे भी नहीं पता एक्चुअल में, तो जाके देखते हैं। तो यार गाइस हम अभी आ चुके हैं मील में और ये देखिए ये यहाँ पे है अपना हमारा धान और ये अंदर मील में मतलब हमारे आपको मतलब घुसा रहे हैं। भाई जल्दी पौड़ी बताया
निहार्छ भयो होला अब बस अभी तक मतलब हमारा वो धान अभी भी मतलब वो मिलने पीस रहा है तो थोड़ा उसमें थोड़ा टाइम लग रहा था तो सोचा कि क्यों ना हमारे इधर भैया थोड़ा वॉक में हो जाए ना, वॉक करना भी ज़रूरी है और वैसे हम तो करते ही है, हर शाम को करते ही है। रामरो ने ये देखिए गाइस कितना मतलब देखिए गाइस कितना पीसफुल है ना, मतलब ये पीछे का सीन ले सकते हैं, पता नहीं कैमरे में तो मतलब उतना अच्छे से नहीं दिख रहा है लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए हमें लगा था कि धान का काम मतलब ऐसे ही जल्दी हो जाएगा लेकिन थोड़ा टाइम लग रहा है तो हम सोचा कि चलो वॉक में हो आते हैं, वॉक करके आते हैं और थोड़ा जगह को एक्सप्लोर भी करते हैं क्योंकि मतलब हम यहाँ पे आए नहीं है ना, मतलब आए तो है क्योंकि हमारा दोस्त का मतलब वो घर इधर ही है लेकिन इस साइड पे नहीं है और सोचा था कि आज उससे भी मिलेंगे लेकिन वो अभी यहाँ पे नहीं है, वो आज घर पे नहीं था, वो बाहर गया था तो उससे मिलना नहीं हुआ। ठीक है नेक्स्ट टाइम मिल लेंगे। ये देखिए गाइस रात हो गया है लेकिन हम अभी भी मतलब मिल में ही है, अभी शायद थोड़ा सा धान बाकी है तो पता नहीं कब ख़त्म होगा, हमें लगा था बहुत जल्दी होगा लेकिन थोड़ा देरी हो गया, थोड़ा टाइम लग रहा था ना तो इसीलिए थोड़ा सा नाश्ता नहीं, शाम का थोड़ा सा कुछ खाने के लिए भूख लग गया था तो थोड़ा कुछ खाने के लिए आ गए। गाइस हम अभी जस्ट घर पहुंच गए, वैसे थोड़ा देरी लग गया, अंकल ने तो अंकल ने तो कहा था कि सिर्फ मतलब डेढ़ घंटा अच्छा लगेगा लेकिन वापस दो आधा घंटा तो लग गया, तो अभी जस्ट आए हैं तो थोड़ा पानी वानी पी के थोड़ा फ्रेश होके हम बैठ जाएंगे अपना बुक पढ़ने के लिए।